वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सीबीआई के छापों के बाद केजरीवाल मोदी पर भड़के। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारकर उसे सील कर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हुए बताया कि मेरे दिल्ली सचिवालय के दफ्तर पर छापा मारा गया है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायरता दिखा रहे हैं, वे मनोरोगी हैं और मेरा सामना नहीं कर पा रहे। सीबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और हमने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर नहीं बल्कि प्रमुख सचिव के यहाँ छापा मारा है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी स्पष्ट किया है कि छापे की कार्रवाई सीएम के दफ्तर पर नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार के कार्टून में उड़ाया भारतीयों का मजाक। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द ऑस्ट्रेलियन में एक कार्टून प्रकाशित हुआ है जिसमें सरेआम भारतीयों का मजाक उड़ाया गया है। प्रकाशित कार्टून में भारतीयों को भूखा और सोलर पैनल खाते हुए दिखाया गया। मजाक बने इस कार्टून पर कई लोगों ने इसकी निंदा करते हुए उसे नस्लवादी बताया। ये कार्टून पेरिस जलवायु सम्मेलन की प्रतिक्रिया में रूपर्ट मर्डोक के अखबार में प्रकाशित हुआ है। कार्टून से ये जाहिर होता है कि एक दुर्बल भारतीय परिवार सोलर पैनल तोड़ रहा है और एक व्यक्ति इसे आम की चटनी के साथ खाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा। बांग्लादेश सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट वाइबर और व्हाट्सएप समेत अन्य साइट्स पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। हाल ही में युद्ध अपराध में दो नेताओं सलालुद्दीन कादिर चौधरी और अली एहसान मोहम्मद मुजाहिद को फांसी दिए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर इन सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार को आशंका थी कि विपक्ष सोशल साइट्स के जरिए प्रदर्शनकारियों को एकजुट कर सकता है।